अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड यू आर वाचिंग थ्री जी बैक। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, आपसे स्टार्ट भी नहीं लिया जाता। जैसे कि अब ये वीडियो में चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमारा पिंजरे का थोड़ा सा काम रह गया था और अब वो कंप्लीट होने जा रहा है, बल्कि होने जा रहा नहीं, हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा पिंजरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तैयार हो चुका है और हमने ऑलरेडी पपीज़ को पिंजरे में दाखिल कर दिया है। अब ये है कि हमें थोड़ा सुकून करने को मिल जाता है, नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई बच्चा वहाँ है, कोई वहाँ है, तो कभी उधर से पकड़ के ला रहा हूँ, कभी उधर से पकड़ के ला रहा हूँ, पकड़ के ला तो दूसरा रहता है, उसको पकड़ के लाता हूँ तो तीसरा आ जाता है, तीसरा पकड़ने के जाता हूँ वो दो पहले जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये बड़ा हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब बच्चे सारे महफूज हैं पिंजरे में और हमें इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, मैं आपको पिंजरे की तरफ लेके जाता हूँ और ये रहा पिंजरा हमारा बच्चों का, जो कि हमने यहाँ ला के रखा है ताकि हमारी नज़रों के सामने बच्चे रहें और ये बच्चे ये देखें। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, बाहर आना है। ये बच्चे मेरे से बातें भी करते हैं और जब इनको बाहर आना होता है ये चीखते हैं जोर जोर से और मुझे कहते हैं हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो। आओ बाहर आ जाओ। ओए, काटते नहीं है भाई। बच्चे तो आराम से अभी सो रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने फीड किया हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले अभी ऑफिस से आया था तो फ्रेश हो गया, अभी बाहर आया हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि आप लोगों को पिंजरा दिखा दूँ कि पिंजरा बिल्कुल ठीक है। ये रहा पिंजरा, ये बच्चे यहाँ सोते हैं और अगर जब बच्चों ने वॉशरूम करना होता है तो यहाँ चले जाते हैं वॉशरूम करने। तो हमें एक बड़ा पिंजरे का ये बैन हो गया। कोई बंदे का पुत्र बनो, पता नहीं क्या बना हुआ, और लोग मुझे देख के अभी से कहते हैं यार वहाँ तुम तो बूढ़े हो गए हो, कुछ अपना ख्याल करो। तो आज चलते हैं, कटिंग शटिंग करवाते हैं और कोई दाढ़ी भी करवाऊँगा, बाकी इंशाल्लाह कलर भी करवा ही लूँ, दोबारा जवान हो जाऊँ। अभी उम्र ही की है, अभी तो जवान है। तो दोस्तों, रात होने वाली है तो अब निकलते हैं जल्दी जल्दी और कटिंग करवाते हैं। तो फाइनली गाइस, कटिंग शटिंग मैं करवा आया हूँ और सिर्फ शेव करना बाकी है। और अभी बताएं कि अभी से मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? नहीं लग रहा? चलो शेव कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। गाइस, शेव हमने बना लिए घर पे ही और अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब तो अच्छा लग रहा हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। तो दोस्तों, कल मैं घर में मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से मैं आगे ब्लॉग नहीं कर सका, नहीं बना सका वीडियो। तो आज नेक्स्ट डे है और अभी मैं ऑफिस से आया ही हूँ, तो मैंने कहा पहले मैं अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुझे पता है। और अब आया हूँ तो मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खाना मेरे सामने आ चुका है और खाने में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है चिकन जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में और आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि इतना अच्छा चिकन लग रहा है और खाने में भी अच्छा ही होगा। तो खाना खाता हूँ, रोटी तोड़ते हैं, बोटी के साथ लगाते हैं और थोड़ा सा छोरा लेते हैं और मुंह में डाल के ओए होए 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 आ गया। दोस्तों, खाना शाना मैंने खा लिया है और क्या है, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी पड़ रही है कि सिर्फ प्यास लगती है, भूख तो आपको अब लगती ही नहीं है। मुल्तान की जो गर्मी होती है ओए होए होए कानों को हाथ लगवा देती है। अब क्या है कि सिर्फ पानी पीता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ बच्चों को। दोस्तों, ये सूजी के पपीस और माशाल्लाह बिल्कुल सारे ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और ये ही इनकी मामा, और दो तीन दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि सूजी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही, और ये खाना शाना खाती है, खाने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चों के पास आके वोमिट कर देती है और इसका खाना फिर बच्चे खाने लगते हैं, हम तो मना करते हैं।
इनको फ्रेश खाना देते हैं, लेकिन पता नहीं सूजी ऐसा क्यों कर रही है। तो 2-3 दिन से टाइम नहीं निकाल पा रहा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आज इसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और इसका पता करता हूँ कि इसको क्या हुआ है। ये बच्चों को कूलर लगा के दिया हुआ है, और कूलर का क्या है कि इसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। मसला है इसमें कोई वायरिंग का, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये रही हमारी सूजी, इसको भी गर्मी लगती है, ये ऐसे आके बच्चों के पास जाके बैठ जाती है और बच्चे भी इसी की तरह आप लेटना शुरू हो गया। तो मैं सूजी को लेके जा नहीं सकता अकेला, तो दोस्त मेरे सारे अभी थोड़े बिजी हैं, तो ऐसा है कि इसको रिक्शे भी लेके जाता हूँ, और रिक्शे भी लेके जाना पड़ेगा, कोई और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों बाहर हम आ गए हैं और हम इसको लेकर जा रहे हैं। हमारे घर से मेन रोड तक काफ़ी सफ़र है, ये पूरी गली आपको क्रॉस करनी पड़ती है। और मैं हूँ, मेरी वाइफ है और ये सूजी हमारे साथ है। तो अब रिक्शे का देखते हैं, रिक्शे अपना मानेगा कि नहीं, इसको बिठाएंगे इसको। तो गाइस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया मेन रोड का और बस हम पहुँचने वाले हैं। नहीं सूजी ऐसे नहीं करते, ये बिल्लियों को देख के ऐसी करती है। तो रिक्शा हमें मिल गया है, बस हम पहुँचने वाले हैं। ये हमारी सूजी है मैडम साहब। दोस्तों हम ये डॉक्टर के पास आ चुके हैं, क्लिनिक उनके, और ये सूजी हर जगह को अब सूंघेगी, स्मेल करेगी। टीका लगेगा तुम्हें? टीका लगवाना है तुमने जी? अब ठीक रही है और नुकसान करो अपना। टीका लगवाता हूँ तुम्हें मैं। चलो बैठ रहो बैठ रहो। नौ ज़्यादा लगेंगे? ओए होए होए, 3-4 भी बात आ गई है सूजी। दोस्तों फाइनली अब वापसी घर की तरफ रवाना, बहुत थक गया हूँ मैं। अब इसकी चेकअप तो हो गया इसका, अब सिर्फ दवाइयाँ रह गई हैं। तो अभी घर में इसको रख के हम बाइक पे चलते हैं और इसकी दवाइयाँ भी लेके आता हूँ। दोस्तों सूजी के खाने का टाइम हो गया और इसको खाना देते हैं। इधर आओ, कम वेट वेट शेकन, यस गो। अब इतनी गर्मी है कि मुझे नहाना पड़ेगा, और मैंने अभी चेंज भी नहीं किए थे, तो मैं पहले नहाता हूँ उसके बाद फिर चेंज करता हूँ। और उसके बाद क्या करना है, हमने सूजी की दवाइयाँ भी लेके आनी है। तो दोस्तों नहा धो के फ्री हो गया हूँ मैं, और अब क्या काम करना है, अब सूजी की दवाइयाँ लेके आनी है। थकन तो बहुत हो रही है, लेकिन करना पड़ेगा भाई, काम तो करना है। तो भाई साथ वाले घर में कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा है, उन्होंने कोई गाना शाने लगाया ना, ये ना हो कि कोई कॉपीराइट आ जाए। तो बस अब क्या करते हैं, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ, फिर आके आपसे मुलाकात करता हूँ। तो दोस्तों दवाइयाँ मैं ले आया हूँ, और दवाइयाँ ये हैं, ये लोशन आ गए और ये इसकी टेबलेट्स आ गई, जो कि सुबह और शाम उसको देनी होती है। तो कल से स्टार्ट करेंगे, इंजेक्शन लग गए थे वहाँ, तो अब ज़रूरत नहीं आज देने की, स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बाकी आने वाली वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फन कर रहे हैं इंशाल्लाह। आगे हमने मंडी भी जाना है, बकरा ईद आ रही है, तो कुछ जानवर लेंगे इंशाल्लाह, या तो जानवर लेंगे या तो रिक्शा डालेंगे, लेकिन मंडी ज़रूर जाएंगे। और बाकी इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।